आज मैंने यह ब्रेड की मिठाई बनाकर तैयार करी है। बनाण में बहुत आसान है और दिखण में इतनी बढ़िया दिखस तो खाण में इससे भी ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुई। ये मैंने 8-10 ब्रेड ले ली। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हो। तो ये ब्रेड लेकर मैंने डोंगा ले लिया है और ये मोटे मोटे टुकड़ा मैंने इस तरह तोड़ दिया है। आप चाहो तो मिक्सी में भी पीस सको, लेकिन मैंने ये न्यू ही मोटे मोटे टुकड़ा में तोड़ कर डोंगा में ये सारी डाल ली है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर ये मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया है और इसने धीमी आँच पर मैं पकाऊंगी। इसके अंदर 2 चम्मच घी की डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। घी डालकर मैं इस तरह इसने वो भूंद लिया है। हमने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हमने भूंदना ही है। भूंद करी मैं किसी भी दूसरे बर्तन में इसने निकाल दूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इस बेसन नाई में दूसरी तरफ रख दूंगी। इसने थोड़ा सा फैला दिया है ताकि अच्छी दाल ठंडा हो जाए। इस कढ़ाई ने मैंने साफ़ कर ली है और साफ़ करने के बाद मैंने 1 कटोरी इसके अंदर चीनी डाल दी है। चीनी डालकर मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, और मीडियम आंच पर मैं इसकी चाशनी बना लूँगी। या थोड़ी देर में अपना आप इसकी चाशनी बन जाएगी। बीच बीच में मैं 1-2 बरिश न चला लूँगी ताकि हमारी चीनी या नीचे ना चिपक जाए। नीचे चिपक जाएगी तो यह हमारी चाशनी है ना या कड़वी बन जाएगी। इससे हमारी मिठाई कड़वी बन जाएगी, बढ़िया नहीं बनेगी। तो इस तरह एक आध बार मैं धीरे धीरे इसने चला लूँगी। या चीनी हमारी ये देखो पंगलन लग गई। तो इस तरह से हमारी चीनी होगी। इसने मैं थोड़ी देर खतर और इसी तरह चला लूँगी। या ब्रेड की मिठाई बनाने खातर ना ही तो हमने चाशनी की ज़रूरत और ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत और ना ही हमने खोए की ज़रूरत है। बहुत कम सामान में यह बन की तैयार हो है और बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो है। तो इस तरह की यह हमारी चाशनी बन जाएगी। इसके अंदर मैं दूध डालूँगी। यह मैंने भी 1 कटोरी दूध की ले ली है। दूध हमने है ना एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और लगातार हमने इसे पलटे तो यह चाशनी है चलाते रहना है, नहीं तो यह हमारी चाशनी इसके अंदर मिलेगी नहीं दूध के अंदर। तो इसी तरह मैं 1 हाथ तय पलटा चलाई जाऊँगी, 1 हाथ तय थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल दूँगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है हमने गैस मंदा करना है, नहीं तो ये दूध से ही हमारा बाहर निकल जाएगा और गैस हमारा ख़राब हो जाएगा। हमने सबसे ज़्यादा लंबा काम लगा गैस साफ करने में, तो इसलिए हमने गैस है ना पहले से हम मंदा कर देंगे और इसी तरह लगातार हम इस पलटन चलाई जाएंगे। यह चाशनी हमारी इकट्ठी होगी ना, इसकी कोई बात नहीं है, या थोड़ी देर में इसे दूध के अंदर घुल जाएगी। तो इसी तरह हमने ये थोड़ा थोड़ा करके ये दूध डाल दी। दूध ही भी इसके अंदर मैं 3 कटोरी डालूंगी और बाकी है ना मैं बाद में डाल दूंगी। तो इसी तरह 5-4 मिनट खातर चला लिया। तो इस तरह का हमारा ये दूध बनकर तैयार हो गया है। ये देखो सारी चाशनी है ना वह हमारी पंगड़ कर तैयार हो गई है। इस पलटे के ऊपर थोड़ी सी लाग रही है, यह भी इसके अंदर मिल जाएगी। यह ब्रेड की मिठाई बहुत आसानी तरीक़त बने है और बहुत कम सामान तक बने है। ना तो हमने इसके अंदर चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही हमने इसके अंदर खोआ डालने की ज़रूरत है, ना ही हमने ये इसके अंदर सूखा दूध डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल ही आसानी तक ये मिठाई बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमने जो ब्रेड तोड़ के रखी थी वह ब्रेड ले ली है। तो इस तरह मैं इसके अंदर दूध के अंदर ये ब्रेड डाल दूँगी और सारी ब्रेड मिला दूंगी। इसके अंदर हमने दूध कम लगेगा ना तो और डाल देंगे। दूध हमने ठंडा नहीं डालना है, दूध हमने इसके अंदर गर्म करके डालना है। जो हमने ब्रेड तोड़ कर रखी थी वह सारी दूध के अंदर डाल दूंगी और आराम आराम से इसी तरह मैं इसके अंदर मिला दूंगी। तो इस टाइम पर मैं इसके अंदर दूध और डाल दूंगी। ये मैंने दूध डालकर अच्छी दाल मिला दिया है। हमने ये पलटा है ना लगातार चलाते रहना है, 1 मिनट भी नहीं छोड़ना है। इस मिठाई के अंदर मैंने टोटल दूध डाले हैं करीब करीब 750 ग्राम, बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो
इसी तरह ये जो हमारी मिठाई ही है कढ़ाई के चिपकन लग जाने, तो इसके अंदर यहाँ पर हम 2 चम्मच घी की डाल देंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। 2 चम्मच घी की डालकर हम इसने लगातार चलाई जाएंगे। अरे मैं इसके अंदर जो बेसन बूंद कर रखा था ना वो डाल दूंगी, बस 2 या 3 चम्मच डालनी है हमने, बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, ताकि इस मिठाई में और भी ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार हो जाए। ये इसके अंदर मैंने सूखा नारियल का बुरादा डाल दिया है। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं होता, आप सूखा नारियल का भी कद्दूकस करके वो भी डाल सको। तो मैंने बुरादा भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, ये भी आधी कटोरी डाला है इसके अंदर। ये सभी चीज़ डालकर मैंने अच्छे डाल इसने पका लिया है। ये मैं इसके अंदर डालूंगी दूध की मलाई। दूध की मलाई भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, 2 चम्मच डालूंगी। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं हो ना, तो इसकी जगह आप 2 चम्मच घी की भी डाल सकते हो। अगर हम घी नहीं डालेंगे तो यह हमारी कढ़ाई का चिपकन लग जाएगा। तो कढ़ाई हमारी बारी तली की होनी चाहिए। तो इस तरह यह मैं मलाई डाल कर इसने भी ये मैं इसने 2-3 मिनट ताई लगातार चलाई जाएंगी। अगर जब छोड़ दूंगी तो हमारा कढ़ाई का यह मिश्रण है ये चिपक जाएगा और हमारी मिठाई है ना बढ़िया नहीं बनेगी या कड़वी बन की तैयार हो जाएगी। तो हमने लगातार इसने चलाते आने रहना है। तो ये मिठाई का ये मिश्रण से नहीं हमारा मन की भी तैयार होने वाला है। ये देखो कढ़ाई ना छोड़ने लग गया है, ये बिल्कुल भी कढ़ाई का नहीं चिपकेगा। उस टाइम पर ही हमारी मिठाई का मिश्रण बन की तैयार हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर हम इस मिठाई ने पहले उतार लेंगे ना तो ये हमारी मिठाई नहीं बनेगी, ये हमारा ब्रेड का हलवा बन जाएगा। और हमने मिठाई बनानी है ना तो ये डो है ना हमने टाइट बना के तैयार करना है। तो ये हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये मैं किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल कर और इसने ठंडा होने खातर रख दूंगी। ये 5-7 मिनट में ही ठंडा होकर तैयार हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद मैं इस तरह थोड़ा हा मिश्रण लेके मैं इस तरह रोल बना लिया है। आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में या मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इसी तरह इस चकले के ऊपर मैंने बिल्कुल गुलाई में यूँ रोल बना के तैयार कर लिया है। ये भी आगे काटा दिया इसी चक्कू ते। ये भी इसका 1 से 1.5 इंच के टुकड़े बना लूँगी काट के और इनको और मड़े से शेप में गुलाई कर दी है आते। आप इसको चौकोर भी बना सकते हो। तो मैंने ये इस तरह के बना लिए और जो बाकी बचा हुआ मिश्रण है ना उसका भी ये बना कर तैयार कर लूँगी। अगर आप मेरे बनाए तरीके से मिठाई बनाकर तैयार करोगे तो पहली बार में यह मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह मैंने ये सारी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। ये हमारा थोड़ा सा मिश्रण और बच गया था, इस मिश्रण के मैं चौकोर शेप में यह मिठाई बनाकर तैयार करूँगी। तो इस तरह इस चक्कू तई मैंने ये सेट कर ली है। सेट करने के बाद मैंने ये बरोबर काट कर तैयार कर लिया है। अब थोड़ी सी जो बाकी बच गया ना इसने मैं हाथ से सेट कर लूँगी। तो हमने हमारी यह वीडियो किसी का अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसी तरह मैंने जो बाकी मिश्रण बच रहा था उसकी भी ये मिठाई बनाकर तैयार कर ली। ये देखो हमने 2 तरह की ये डिजाइन दिए हैं। ये हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। ये मैं इसके ऊपर सजावट खातर ड्राई फ्रूट डालूंगी। पहले तो ही मैंने बारीक बारीक ये पिस्ते काट के रख रखे थे। अगर आपके पास पिस्ते हों तो पिस्ते डाल दें, और भी कोई ड्राई फ्रूट हो तो जो भी आपका पसंद हो वो इसके ऊपर डाल सकते हो। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा हा नारियल का बुरादा भी डाल दिया। यह हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है।